इतने सिल्की बाल हो गए ना, लिटरली हाथों से फिसल रहे हैं। क्या कमाल रिजल्ट है इस हेयर मास्क का। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके रूखे सूखे बेजान बालों में जान डाल देगा, और शाइन तो ये इतनी ज़बरदस्त देगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर फटाफट से अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम हेयर मास्क बनाने वाले हैं, इसके अंदर बहुत ही बेसिक सी तीन चीज़ें हम यूज़ करेंगे। हमने एक बोल योगर्ट का ले लिया, इसमें दो बनानास को ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद आपने क्या हनी लेना है, अगर रॉ हनी हो तो ज़्यादा बेहतर है। 2-3 टेबल स्पून इसके अंदर मैं शहद को ऐड कर लूँगी, इनको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये हमारा हेयर मास्क तैयार हो चुका है। बालों को हमने पहले से कर लिया है डिटेंगल। यहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, आप चाहें तो हाथों से भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रश से लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपके बालों में जो सेक्शनिंग होगी ना, बहुत आसानी से हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा लेके हेयर मास्क आप अपने बालों में लगाना स्टार्ट करते हैं। इस हेयर मास्क को आपने बालों की स्कैल्प पे लगाना है, रूट से लेके लेंथ तक लगाना है। इस हेयर मास्क के अंदर जो मैंने बनाना यूज़ किए हैं, केलों में विटामिन B6 होता है जो कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो प्रमोट हो जाती है। सेकेंडली यहाँ पर जो मैंने दही यूज़ किया है, ये आपकी डेंड्रफ को ख़त्म कर देगा, डीपली आपकी स्कैल्प को जो है वो हाइड्रेट कर देता है। और लास्ट में जो हनी यूज़ किया है, ये डीप कंडीशनर की तरह वर्क करेगा, इतने आपके बालों को डिटेंगल कर देता है, हाईली मॉइस्चराइज कर देता है, जो भी ड्राइनेस होती है, रफनेस होती है, ख़त्म हो जाती है। एक नेचुरल कंडीशनर की तरह ये काम दिखाने वाला है। तो इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके आपने 2 घंटे के लिए बालों में अप्लाई करना है। पहले तो यहाँ पर मैं स्कैल्प पे लगा लूँगी ब्रश की हेल्प से, क्योंकि यहाँ इससे सेक्शनिंग बड़ी मज़ेदार तरीके से हो रही है, मुश्किल नहीं हो रही लगाने में ना। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बालों को पहले डिटेंगल कर लिया करें ताकि हेयर मास्क लगाएं और जब उसके बाद अपना सर धोएं तो कम से कम हेयर फॉल हो। स्कैल्प पे लगाने के बाद जो लेंथ पे रह जाएगा तो मैं उसको हाथों की हेल्प से लगा लूँगी, और इस वक्त बहुत ज़्यादा मैस हो गया है। तो जब भी आप कोई हेयर मास्क लगाएं, सो मेक श्योर नीचे कोई आप कपड़ा रख लें ताकि फ्लोर ज़्यादा मैसी ना हो जाए। यहाँ बैक साइड पे भी लगाना है, और हाथों की हेल्प से मैं लेकर थोड़ा थोड़ा करके जो अपना जो हेयर मास्क है हमारा, ये डीप कंडीशनरिंग भी आप कह सकते हैं नेचुरल तरीके से, तो उसको मैं हाथों से लेकर हल्का हल्का लगाऊंगी और प्रेस भी करती जाऊंगी ताकि अच्छी तरीके से जो हेयर मास्क है, ये जो मैजिकल सा हेयर मास्क है, ये एब्जॉर्ब हो जाए। और बालों की टिप पे ज़रूर लगाया करें, क्योंकि नीचे से अक्सर बाल जो है बहुत ज़्यादा ड्रफ हो जाते हैं, तो लेंथ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करें। स्कैल्प पे तो डेफिनेटली लगाना ही है, लेकिन लेंथ पर भी लगाया करें। बहुत से लोग लेंथ को ना इतना सीरियस नहीं लेते कि चलो रूट्स पे तो लग गया है, नीचे खुद ही पहुँच जाएगा। नहीं नहीं, आपको पूरी तरीके से लगाना है, और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। और ये हेयर मास्क आप चाहें तो ओवरनाइट भी लगा सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर इतना कौन बर्दाश्त करेगा, तो 2 घंटे पर लगा लेना तो इनफ है। थोड़ा सा बच गया है तो वेस्ट हमें कुछ नहीं करना है, बाकी सर पे लगा लेती हूँ जो भी थोड़ा बहुत बचा है, ताकि ये जो हेयर मास्क है बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और इसको ज़रा भर भर के ही लगाना है, इसको इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं ना, आप इसको लगाएंगे एक दफ़ा में आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे, मज़ा ही आ जाएगा। ये हेयर मास्क मेरा मोस्ट फेवरेट है, और मैं महीने में 1 से 2 बार इसको यूज़ कर ही लेती हूँ। फिर आपने बालों को टाई करना है, 2 घंटे बाद मिलते हैं हेयर वॉश के बाद। आफ्टर हेयर वॉश रिजल्ट्स आप लोग के सामने हैं। यहाँ पर मैंने जस्ट शैम्पू किया, इवन तो मैंने कंडीशनर भी नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा ज़रूरत फील ही नहीं हुई। ऑलरेडी नेचुरली बालों में इतना प्यारा शाइन आ गया ना, और स्ट्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर।